हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम बिहेवियर पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एक टूल टिप का ऑप्शन कैसे लगाओगे। टूल टिप क्या होता है, मतलब कि जब आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अपना कर्सर ले जाते हो तो वहां पे एक पॉपअप आ जाता है ओपन होके, जिसके ऊपर उस टेक्स्ट का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। जब आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, किसी टेक्स्ट के ऊपर कर्सर डालोगे तो एक कंप्लीट छोटा पॉपअप आएगा जिसके ऊपर उस टेक्स्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा। तो इस तरह का एक फीचर आप भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में काफी आसानी से इंप्लीमेंट कर पाओगे और इसे करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हाय फ्रेंड्स, ये मेरी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं अभी आपको टूल टिप का एग्जांपल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हो जब आप लॉगिन होते हो, और लॉगिन करने के बाद आपको कहाँ आना है, प्लगइन के सेक्शन में आना है और प्लगइन में जाके आपको एड न्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप एड न्यू पे क्लिक करते हो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपलोड प्लगइन का ऑप्शन है, आपको क्या करना है, सर्च प्लगइन पे जाना है। सर्च प्लगइन में जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है वर्डप्रेस टूल टिप्स, ये मैंने हाईलाइट कर दिया वर्डप्रेस टूल टिप्स। जैसे ही आप ये लिखोगे यहाँ पे आपको एक प्लगइन मिल के आएगा वर्डप्रेस टूल टिप्स के नाम से, और भी काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। मैं इस वीडियो में आपको इस प्लगइन का यूज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद एक एक्टिवेट का बटन आएगा, सिंपली आपको एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखो एक्टिवेट का बटन आ गया, अब मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये प्लगइन मेरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल हो जाएगी। ये एक्टिवेट हो गए इंस्टॉल होके, एक्टिवेट पे मैंने क्लिक किया तो अब क्या होगा, ये एक फीचर ऐड करने के लिए मुझे देगा ऑप्शन। ये देखो आप ये तो लेफ्ट में चेक कर सकते हो कि टूल टिप्स नाम से कुछ ऐड हुआ है, तो यहाँ देखो ये टूल टिप आ गया बन के आपका। या तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि आपके मेन्यू में कोई टूल टिप बना है, या फिर अगर आपको यहाँ से नहीं मिले तो आप अपने प्लगइन के सेक्शन में जाना और वहां पे देखना कि जो टूल टिप बना होता है, ये देखो टूल टिप, इसके सेटिंग पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे जा सकते हो। तो आप दोनों तरीके से इसे गेट कर सकते हो। अभी मैं टूल टिप जो यहाँ पे लेफ्ट में बना है, यहाँ से भी सेटिंग पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से भी आ सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं अपने टूल टिप के अंदर, क्या है, ग्लोबल सेटिंग बना हुआ है आपका। सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। ग्लोबल सेटिंग में जाना है आपको, और इसमें जितनी भी सेटिंग्स है इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करोगे, इसे चेंज कर लोगे। जैसे मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट इसकी सेटिंग्स है वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखो ये दे रहा है सो टूल टिप्स इन ओनली सिंगल कैटेगरी या फिर ऑल कैटेगरी, मतलब कि जब आप कैटेगरी क्रिएट करते हो तो उस कैटेगरी के किस कैटेगरी के अंदर आपको टूल टिप दिखाना है, कुछ इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है आपका टूल टिप पॉपअप एनिमेशन इफेक्ट, मतलब कि आपका एनिमेशन इफेक्ट है यहाँ पे, एक स्केल नाम से बना हुआ है। इसके साथ ही देखो टूल टिप बॉक्स स्टाइल बना है आपका, आप डार्क लाइट ग्रीन तीन कलर का भी आपका यहाँ पे दे रखा है, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप वन बाय वन इसकी सेटिंग को चेक कर लेना, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको टूल टिप ऐड करना है। तो आप यहाँ पे आ जाओ और ऐड न्यू पे क्लिक कर दो। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको टाइटल मिलता है। ये टाइटल क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपने किसी, जैसे ऊपर देखो ये ऐड न्यू टूल टिप लिखा है, तो यहाँ पे जो आप टाइटल लिखोगे इसका मतलब होता है कि वो टेक्स्ट जिसके ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाना चाहते हो, और यहाँ जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में आप जो भी चीज डालोगे वो आपके टूल टिप बॉक्स में डिस्प्ले होके आएगा। तो अभी मैं एक पेज पे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो जैसे ये पेज है, ये देखो ये अबाउट अस का पेज है, इसके व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे एक जो भी डेमो आर्टिकल बना हुआ है, तो यहाँ देखो, तो जैसे ये टेक्स्ट है, सपोज ये मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे, तो अगर मान लेते हैं कि जैसे ये देखो मीडिया क्वेरी लिखा हुआ है, अगर मैं मीडिया के ऊपर कर्सर ले जाऊं तो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आए और उसमें कोई टेक्स्ट आ जाए। तो कुछ इस तरीके से मेरा मतलब है कि जैसे ही मैं मीडिया पे यहाँ पे कर्सर ले जाऊं तो ऊपर एक बॉक्स बन के आ जाए पॉपअप, यहाँ पे मैं माउस का कर्सर ले जाऊं तो ऊपर एक बॉक्स आए और उसमें ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि मैं ये डिस्क्रिप्शन चाहता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन मैं ऐड करना चाहता हूँ जब मैं मीडिया के ऊपर ये कर्सर ले जाऊं अपना, तो या तो मैं मीडिया के ऊपर ले जाऊं या कहीं भी लगा दो, जैसे मीडिया क्वेरीज है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मीडिया, मतलब ये कौन सा टेक्स्ट है जिसके ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाना चाहते हो।
तो ये टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो आप टेक्स्ट डालोगे ये वाला, ये क्या होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा जो पॉपअप ओपन होगा, उस पॉपअप के अंदर जो आपका टेक्स्ट है वो ये वाला टेक्स्ट है। अब आपने यहाँ पे मीडिया लिखा, इस पे आपने डिस्क्रिप्शन डाला, आपको सिंपली क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है कि ये आपका डन हो गया, पब्लिश हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली अभी पब्लिश कर देता हूँ। मैं आपको एक काफी सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैंने दे दिया। अब अपने पेज पे आते हैं एक बार, और इस पेज को आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है इस पेज के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है मीडिया, ये वर्ड इस पेज में ऑलरेडी यूज है। तो अब आप इसको एक बार क्या करोगे, रिफ्रेश कर लोगे। अब देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डॉट डॉट लाइनें बन चुकी हैं, यहाँ भी बन गई, यहाँ भी बन गई, और ये देखो जैसे मैंने कर्सर ऊपर किया तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, मीडिया क्वेरी इज ए सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव लेआउट ऑफ योर वेबसाइट। मतलब ये आपको दिख गया कि जैसे मैंने उसको इसके ऊपर कर्सर किया तो एक बॉक्स यहाँ पे बन गया, अब मैं इसके ऊपर भी करता हूँ तो यहाँ से भी एक बॉक्स बन गया। मतलब इस तरीके से आप अपने किसी भी वर्ड के ऊपर ये टूल टिप बना सकते हो, और आप मल्टीपल वर्ड्स के यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक टूल टिप यूज किया है, आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और दूसरा भी क्रिएट कर लोगे। इसी तरीके से जैसे पोस्ट में कैटेगरी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आते हैं नीचे, अब इसमें आप स्टाइल भी दे सकते हो। देखो जैसे अगर मैं इस मीडिया क्वेरी को यहाँ पे बोल्ड करना चाहूँ तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, और बाकी चीजों को अगर आप इटैलिक करना चाहते हो तो आप इटैलिक कर दो। मतलब कि यहाँ पे आप जो भी चीजें करोगे वो सारा कुछ क्या आएगा, आपके उस बॉक्स में बन के आ जाएगा वो सारा स्टाइल। अब मैं यहाँ से एक बार अपडेट कर देता हूँ, वापस आ जाते हो आप अपने पेज पे, एक बार इसे वापस से रिफ्रेश कर दो, फिर से आते हैं इस पे, कर्सर ले जाते हैं, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा कि अब जो मीडिया क्वेरी आ रही है वो बोल्ड में आ रहा है। थोड़ा मैं इसे बड़ा करूँ तो आपको दिखेगा, ये देखो अब देखो मीडिया क्वेरी बोल्ड हो गई, बाकी चीजें इटैलिक में आ गई। तो इस तरीके से आप टूल टिप काफी इजी वे में लगा सकते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। अब आपको इस पे सपोज करो कि आपको इसके ऊपर एक इमेज भी दिखानी है, इसके अंदर आपको एक इमेज भी लगाना है, तो आप ये भी कर सकते हो। वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, एक इमेज लगाना है, तो आप एक इमेज लगा दीजिए। यहाँ से एड मीडिया पे आपको क्लिक करना है, और अगर आपके मीडिया में, ये मेरे मीडिया में ऑलरेडी कुछ इमेजेस भरी हुई है, आप अपने वर्डप्रेस मतलब कि जिस सिस्टम पे आपने इंस्टॉल किया है आप वहां से यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो तो आपके सिस्टम में कोई इमेज है आप डाउनलोड करके लगा सकते हो, या अगर आपके मीडिया में ऑलरेडी है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। सपोज मैं कोई एक छोटी सी एक इमेज ले लेता हूँ जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो लाइक मैं ये HTML का आइकन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इंसर्ट इनटू पोस्ट कर दिया, तो देखो ये HTML आइकन आ गया यहाँ पे। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार अपडेट कर देता हूँ। अब मैंने अपडेट कर दिया, पेज पे आ जाते हैं, वापस से इसे रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, तो अब उस बॉक्स के अंदर वो आइकन भी आ जाएगा, ये देखो ये HTML का आइकन भी आ गया और टेक्स्ट भी आ गया। तो इस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर काफी आसानी से टूल टिप किसी भी वर्ड के ऊपर यूज कर सकते हो। अगर इसको जैसे कलर चेंज करना था तो कलर भी आप एक बार देख लो, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ग्लोबल सेटिंग दिखाई थी यहाँ पे, इसमें आपको कलर का ऑप्शन मिला था, तो आप एक बार कलर भी देख लो। अगर आप चाहते हो तो कलर CSS की हेल्प से भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से पहले मैं एक बार इसकी जो ग्लोबल सेटिंग का ऑप्शन है आपको नीचे आ जाना है। देखो ये टूल टिप बॉक्स स्टाइल है, ये डार्क बना हुआ है, मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया और अपडेट कर दिया, तो ये अपडेट हो गई। यहाँ से वापस आ जाते हैं पेज पे, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद फिर से मैं मीडिया वाले पे जाता हूँ। अब देखो ये कलर चेंज हो गया है, यहाँ से आसानी से टूल टिप यूज करोगे और इसे करने का क्या तरीका होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।